एक खबर आती दिख रही है और वो आ रही है दिल्ली से, जो कि शायद बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली मॉल्स के लिहाज से। मॉल्स अब इवन ऑड फॉर्मूला के तहत चलेंगे। अरे वाह, फिर से इवन ऑड आ गया, फिर से फेवरेट है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑड। कुणाल जी, राकेश जी का फेवरेट इवन ऑड फिर से आ चुका है। दिल्ली में मॉल 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, पहली चीज। और उसमें भी थिएटर नहीं, थिएटर और मल्टीप्लेक्स पूरे ही बंद रहेंगे ऐसा लग रहा है। रेस्टोरेंट और बार ये 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। मॉल्स इवन ऑल ऑड, मतलब मॉल एक दिन खुले एक दिन बंद। अच्छा थिएटर मतलब माय गॉड पूरी तरह से पूरा बंद, पूरा बंद। ये तो ठीक नहीं है। पीवीआर इसीलिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर पूरी तरह से बंद। मॉल्स एक दिन खुले एक दिन बंद, तो और वो भी सुबह 10 बजे से 8 बजे तक रात को। ये है 50% क्षमता जो रेस्टोरेंट्स की थी वो बनी रहेगी। आई थिंक दिल्ली में शायद 100% हो गया था इसको, आई थिंक अब 50% किया गया, क्योंकि दिल्ली में थिएटर्स भी पहले 100% हो गए थे जो अब पूरी तरह से बंद हो गए। करेक्ट। पीवीआर जरा कुणाल जी चार्ट देखिए, करेक्शन तो शुरू कर चुका है, गिरना तो शुरू हो चुका है, जल्दी से लेवल बताएं और कितना नीचे जा सकता है, सपोर्ट कहां है? अनिल जी देखिए, अभी एक ब्रेकडाउन इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिखा है। सपोर्ट मुझे दिखाई पड़ता है 1250 के आसपास, अभी 1285 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1250-1255 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, वो लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 1250 के नीचे तुरंत जाएगा इसकी संभावना कम दिखती है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, नए शॉर्ट नहीं खोले। अगर पहले का शॉर्ट पोजीशन है तो 1250 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय, 1250 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करें।